हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर डीट प्लस वी एंड सी टेट के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेज पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिससे दो क्वेश्चन आए थे इस बार डीट प्लस वी में और थोड़ी नई थियरी है इसलिए संभावना है कि आगे आएँ, और देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये बेसिकली पहला ही पार्ट है इसका, थोड़ी सी बड़ी कहूँ या दो स्टेप्स में एटलीस्ट हम इसको करेंगे। इन्होंने क्या बात की कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि कोल्ब का अनुभववाद या अनुभवात्मक लर्निंग मतलब अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, हिंदी वालों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। 1984 में आई, अगर आप ये यहाँ तक देख पा रहे हैं तो 1984 में इन्होंने ये बेसिकली पब्लिश कराया। इनके साथ थे रॉन फ्राय, तो अगर उनका नाम आता है तो वो भी आप टिक लगा सकते हैं, रॉन फ्राय, और इन्होंने दो लोगों ने मिलकर के इसको पब्लिश कराया। और बेसिकली डेविड कोल्ब अभी भी हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए आप इनको। और इन्होंने क्या 1939 में इनका जो जन्म है वो हुआ, और उस टाइम पर अगर बात करें आप तो प्याजे का काफ़ी बोलबाला था, वो वाला टाइम प्याजे के लिए एक बहुत बड़ा एक क्या कहें उसको अचीवमेंट वाला टाइम था। तो वहाँ से कोल्ब प्रभावित थे प्याजे से, और जो डूई का काम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का या लर्निंग बाय डूइंग का, उससे भी। तो बेसिकली अगर इस थियोरी को हम मिक्स कहें या कहें तो क्या इसको हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बिहेवियरिज्म प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म को लगा करके एक थियोरी क्रिएट की गई है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं जोड़ करके। और ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लर्निंग साइकिल के बारे में बात करेंगे। इसको LSI भी कहते हैं, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री, और इस नाम से आए लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री, लर्निंग स्टाइल आए, लर्निंग थियोरी आए, एक्सपीरियंशियल मॉडल आए, सब क्या है कोल्ब का ही काम है। और इसमें फर्स्ट में हम समझेंगे कैसे लर्निंग होती है कुछ स्टेप्स के थ्रू, बहुत ही एप्लीकेबल सी थियोरी है, पूरा देखें वीडियो। और सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि टाइप्स कैसे होते हैं लर्नर के चार, और इन्होंने बेसिकली समझाया कि पहले तो आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते कैसे हैं, इस प्रोसेस से कैसे जाते हैं, फिर आपके प्रोसेस के हिसाब से, आपके संज्ञान के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल के कौन से स्टाइल्स होते हैं लर्नर्स के फोर, ठीक है। तो दो चीज़ों में डिवाइडेड है थ्योरी, एक आपकी लर्निंग प्रोसेस में, दूसरी लर्निंग स्टाइल में। लर्निंग स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, और लर्निंग साइकिल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थर्ड वीडियो क्या होगा, थर्ड वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस निकाल नहीं पाएंगे अगर आप ये पूरा प्रोसेस ना समझें। इतना आसान नहीं है कि मैं एक स्टोरी सुना दूं और ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बेसिकली अगर कोल्ब की बात करें, हम नॉर्मल एक लाइफ में एग्जांपल लें या देखें, तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सीखते हैं, और आप कई बार सुनते हैं कि एक्सपीरियंसेस से आई है ये लर्निंग, या फिर धूप में बाल सफ़ेद नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हैं, वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, आपके सीखने के ऊपर है। आप अच्छे से भी सीख सकते हैं, आप बुरे से भी सीख सकते हैं, किस तरह से सीखेंगे वो हम आज समझने वाले हैं। यहाँ पर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, पहले आप कुछ करते हैं, आपने कुछ फील किया, नॉर्मल कुछ काम किया या कुछ फील किया अपनी जनरल लाइफ में, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर कब जाएंगे, जब आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपने प्रकाश डाला, जो आपने यहाँ पर काम किया था उस पर आपने प्रकाश डाला। यहाँ पर मूर्त एक्सपीरियंस लिया पहले तो, और मूर्त अनुभव के बाद आपने प्रकाश डाला, रिफ्लेक्ट किया, रिव्यू किया, ऑब्जर्व किया उस चीज़ को जो आपने की थी, कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता था। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर कुछ गलती की होगी, उसी को बेहतर करोगे। आपने अच्छा किया, मान लीजिए विराट कोहली खेलने गए, बहुत अच्छी इनिंग रही, लेकिन उसके बाद जब ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मैच ओवर हो गया उस दिन का, तो नेक्स्ट डे जब वो, मतलब नेक्स्ट स्टेप जब वो अपने होटल रूम में, मान लीजिए यहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस मैच पर कि जो ये मैंने आज जितना भी एक्टिविटी की, बहुत बढ़िया तालियां बजी, ये सब कुछ ठीक है, सेंचुरी मार दी, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट किया कि वो वाला जो काम था उसको इस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता था, वो जो मैंने शॉट मारा था उसको किस स्टाइल में मारना है नेक्स्ट टाइम, उस चीज़ का ध्यान रख सकता हूँ कि आउट ना हूँ या बेहतर कर पाऊँ, ठीक है। तो ये रिव्यू किया, ऑब्जर्व किया, वहाँ पर प्रकाश डाला, चिंतन किया उन्होंने इस चीज़ का, ठीक। और भी एग्जांपल्स लेंगे, थर्ड स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गई, आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, फिर आप थर्ड स्टेप पर आए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। अब आपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया, रिव्यू कर लिया अपने दिमाग में, ठीक है, चिंतन कर लिया, लेकिन अब आपने कंसेप्ट बनाया कि मैं आगे क्या करूँगा, वो काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है, तो या इसको इस तरह से करना है। तो ये आपने कंसेप्ट बनाया, कॉन्क्लूजन क्रिएट किया अपने दिमाग में, एक संप्रत्य बनाया कि आगे इसको इस तरह से करना है। अभी ये अमूर्त है, अमूर्त मतलब आइडिया में है, ठीक है।
फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है बेसिकली, जब ये अमूर्त था इसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, ट्राइंग आउट किया, आपने प्लान आउट किया, देखा कि इसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे, उस काम को आपने कर दिया, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक। तो ये एक चीज़ है जो आपने प्रैक्टिकल काम यहाँ पर किया, और इसको फिर आप रिपीट कर सकते हैं, ये जो स्टेप है दोबारा से यहाँ पर रिपीटिशन या रिपीट का ऑप्शन डाल सकते हैं। और अगर और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, कि आप टीचर हैं, आपने कोई क्लास ली, या मान लीजिए मैंने कोई लाइव सेशन लिया और देखा कि भाई ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने लाइव लिया, आज का लाइव है मान लो 10 जुलाई का, और मैंने लाइव किया, मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया बिल्कुल कॉन्क्रीट मूर्त एक्सपीरियंस। अब मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया उस लाइव को बंद होने के बाद कि भाई ये जो मैंने लाइव किया था आज, इसमें और क्या बेहतर बन सकता था, और कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता था, कौन सा पॉइंट था, या कहाँ मैं इसको कैसे बेहतर करूँ। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रकाश डालते हैं किसी काम पर जो आपने कंक्रीट किया होता है, रिव्यू करते हैं उस चीज़ को, तो आपके समझ में आती हैं चीज़ें, ऑब्जर्व कर पाते हैं आप, 4 चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो आपके यहाँ से रिव्यू और ऑब्जर्व करने के बाद जो निकल के आया, इससे आपने कंसेप्ट बनाया कि नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है, बीच में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, या बीच में क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, लास्ट में लेने हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। और जब आपने कंक्लूड कर लिया, कंसेप्ट बना लिया अपना, तो अब आया नेक्स्ट डे 11 जुलाई का, और मैंने यहाँ पर लाइव में ट्राई किया या प्लान आउट किया जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बनाया था कि मैंने बातें नहीं की और लास्ट में क्वेश्चन लिए, लेकिन पूरे लाइव के टाइम पर सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। बेसिकली किसी भी तरह से ले सकते हो, एक वीडियो डाला मान लीजिए मैंने, फिर वहाँ से सीखा, आपके कुछ कमेंट्स आए कि देखा कि भाई इसमें ये चीज़ थी, रिफ्लेक्ट किया, अच्छा इसको बेहतर बनाया जा सकता था इस चीज़ की तरह से, और फिर इसको मैंने कंसेप्ट में डाला अपने दिमाग में कि ये जो काम यहाँ पर मैंने सोचा था, इसको मेरा एक कंसेप्ट तैयार हो गया और मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया नेक्स्ट डे में। बात करें अगर बहुत सारी, क्योंकि जो ऑडियंस है, जो आप लोग देखने वाले लर्नर्स हैं, 50% से ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो जब आप मेकअप करके जाते हैं कहीं पर मान लीजिए, तो आपने मेकअप किया, एक मूर्त एक्सपीरियंस लिया, एक मूर्त अनुभव लिया, आप कहीं गए शादी में और आपने सोचा फिर उस चीज़ पर जब आप वहाँ से आए कि यार इस चीज़ में ना ये बेहतर हो सकता था, मैंने ना वो ज़्यादा डार्क कर लिया था या कुछ इस तरह का कर लिया था, तो इस पर रिफ्लेक्ट किया आपने, प्रकाश डाला, चिंतन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या दिमाग में रखेंगे, वो काम जो मैंने पिछली बार किया था उसको इस तरह से बेहतर बनाना है, कंसेप्ट बना लिया, कंक्लूड कर लिया आपने। फिर फोर्थ स्टेप में जब आप नेक्स्ट टाइम किसी शादी में जाते हैं, तो आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, ट्राई आउट कर लिया जो आपने सोचा था, जो आपने कंसेप्ट बनाया था। और अगर फिर आप इसको इसी तरह से रिपीट कर सकते हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, अनुभवात्मक तरीके से आप सीखते हैं, बहुत ही एप्लीकेबल सी थ्योरी है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में लगा सकते हैं। और ये एक तरीका है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, अनुभव आत्मक सिद्धांत की, अधिगम की, तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा कोल्ब ने कि भाई आप अपने दिमाग की जो प्रोसेस हैं, संज्ञानात्मक प्रोसेसेस हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं सीखने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है यहाँ पर, कॉग्निटिव प्रोसेस का हो रहा है, और इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में कहा था बिहेवियरिज्म प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब प्याजी का जो आपका कॉग्निशन वाला सिद्धांत था उसको इन्होंने लागू किया, बिहेवियर में आप कैसे लाते हैं उसको लागू किया, डूई का जो अपना काम था लर्निंग बाय डूइंग का, उसको भी मिक्स किया। तो ये एक तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किससे प्रभावित थे, तो कंस्ट्रक्टिविज्म से प्रभावित थे, कॉग्निटिविज्म से प्रभावित थे। और इसके अलावा जो इसके बाद डेका जो हमारी नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, डेका मतलब इन्होंने कहा कि आप सीखते तो इस तरह से, साइकिल तो ये है, लेकिन जो लर्निंग स्टाइल हैं भाई, हर एक सेम तरह से अडेप्ट नहीं करेगा चीज़ को, बेसिकली आपने लर्निंग की एक्सपीरियंस लिया और उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया अपने काम में, वो ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अनुभवात्मक सिद्धांत है। डेका मतलब आपकी 4 लर्निंग स्टाइल आई, डाइवर्जर्स, ये आएगा आपका एकोमोडेटर्स, फिर आपका आएगा कन्वर्जर, एंड देन एसिमिलेटर्स। तो इन 4 को हम पढ़ेंगे, इनके बिना ये अधूरी है थ्योरी, कोई मतलब नहीं है ये सिर्फ ये जान लेने का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, क्योंकि आपसे जब पूछता है कि डाइवर्जर्स कौन से होंगे, कौन सी प्रोसेस के अंदर आएंगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आएंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आएंगे, मतलब अगर कोई टीचर है तो वो कौन सा एक जो लर्निंग स्टाइल है उसके लिए सूटेबल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब निकाल पाएंगे जब आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। और आई होप मैं क्लियर हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे थे तो। हम बहुत सारा काम करने वाले हैं लर्निंग से रिलेटेड, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।